हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल का दिन, एकादशी है और मेरा व्रत था। तो आज मैं गई थी झांसी के इस्कॉन मंदिर, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दर्शन करवा देती हूँ भगवान के। तो बिना देरी करे हुए चलिए चलते हैं इस्कॉन मंदिर। और हाँ, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए चलते हैं हम अब भगवान के दर्शनों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। ये मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ एक्टिवा से, छोटा वाला बेटा भी है मेरा साथ में। तो जैसे ही मैं जॉब से छूटी थी तो वो आ गया था गाड़ी लेकर। मैंने उससे पहले से बोल के रखा था कि वो गाड़ी लेके आ जाए और मुझे आज दर्शनों के लिए जाना था। तो बस ये मैं फिर मुझे लगा कि मैं वही अकेली दर्शन क्यों करूँ, आपको भी करवा दूँ। तो बस ये पूरी मतलब मार्केट से निकल के हम लोग जा रहे थे, तो बस वहीं पे मैंने शूट कर लिया। और आप ये देखो, रात के 8 बजे हैं और 8 बजे ये ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत भीड़ भाड़ भी थी और पूरा मार्केट अभी इस समय खुला हुआ है। और आप देख भी पा रहे हैं कि कितनी मतलब भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और एक्चुअली अभी इस समय ये उसका ईद आने वाली है ना, तो ईद की वजह से भी बाजार काफी सजे हुए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये मतलब ये इलाका मानिक चौक कहलाता है। तो मतलब ये झांसी का सेंटर है एक तरह से। तो बस वहीं से निकल के हम आए और ये देखिए सिटी चर्च है, ये वहां से थोड़ा सा आगे चल के सिटी चर्च है, उसकी फोटो है। तो बस सिटी चर्च हम निकल चुके और मानिक चौक में मतलब एक ऐसा बाजार है कि वहां पे हमें सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो बस वहीं से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इस्कॉन मंदिर के लिए। ये अभी हम आ गए गुलाम गौस का चौराहे पर, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और मैं बताऊँ, आज एकादशी थी और मैं काफी दिनों से सोच भी रही थी कि क्यों ना हर एकादशी को भगवान के दर्शनों के लिए जाया जाए। वैसे एक मंदिर मतलब खाटू श्याम जी का मंदिर भी है यहाँ पे, वहाँ पे भी मैंने सोचा था, लेकिन वो मतलब काफी दूर पड़ जाता है तो फिर मैं वहाँ नहीं जा पाती। तो आज पता नहीं अचानक से मतलब मन में आया, तो मैंने कहा चलो मतलब मंदिर चलते हैं दर्शनों के लिए। तो बस वो कहते हैं ना कि वो तो वही जब भगवान की मर्जी होती है ना, जब ही वो बुलाते हैं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो बस मैं मंदिर के लिए आगे ही बढ़ रही हूँ और पहुँचने ही वाली हूँ मंदिर में। और ये देखिए मंदिर पे आ ही गए और ये मैं आपको भगवान के दर्शन करवा रही हूँ ठाकुर जी के। और इस्कॉन में तो पता ही है कि नाचते हुए ठाकुर जी की फोटो होती है और मूर्ति होती है। और बहुत ही भाई मंदिर का तो वातावरण ही एक ऐसा होता है जहाँ पे जाके सिर्फ शांति ही मिलती है और कुछ नहीं। शांति के अलावा मतलब आपको जितनी भी मन में उथल पुथल हो रही होगी ना, सब खत्म हो जाती है और मन बहुत शांत हो जाता है एकदम से। बस तो इसीलिए भाई मंदिर की तो बात ही अलग है। ये देखिए पूरा जो है ये परिक्रमा है। और इस्कॉन की तो भाई बात ही अलग है। इस्कॉन कोई ऐसा तो है नहीं कि झांसी में ही हो, इस्कॉन के मंदिर तो सभी जगह मतलब होते हैं और हर जगह ऐसी ही व्यवस्था होती है। तो और पूरे मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन चल रही है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे बैठ के। मैं वहाँ पे मतलब मैं गई, दर्शन किए मैंने, फिर मैं वहाँ पे बैठी 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए कीर्तन वहाँ पे चल रहा था। ये सामने देखिए कीर्तन मंडली बैठी है ना, कीर्तन चल रहा था। तो बस वहाँ पे बैठ के हरे रामा हरे कृष्णा इस नाम का कीर्तन किया।
और कीर्तन करने के बाद भाई मुझे आना भी था, तो फिर मैं वहाँ से वापस निकलने के लिए और उठ गई कि भाई 8:30 बज चुके थे, तो सोचा कि चलो अब निकलते हैं। तो बस निकलते हुए वहाँ से ये फिर मैंने रास्ते में वीडियो बनाई, और इस बार मतलब जिस रास्ते से आए थे ना उस रास्ते से हम वापस नहीं गए। इस बार जो वहाँ का झांसी का किला है ना, तो किले के रास्ते से ही मतलब वापस लौटे हम। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा किले की फुटेज भी ले ली थी। और मैं आपको बताऊँ, ये झांसी जो है ना स्मार्ट सिटी में आता है, तो ये मैंने पूरा किले की फोटो ली है। इसको मोबाइल में मतलब गाड़ी चल रही थी तेज, तो मैंने फ़ोन को तिरछा करके और फिर फोटो ली है मैंने। तो पूरा किला मतलब लाइट से इस तरह से जगमगाता है ना कि मतलब हाँ लगता है कि भाई झांसी का किला पूरी सिटी में मतलब चमकता है। घर से भी देखो ना तो छत पे चढ़ के तो किले की लाइटिंग अलग दिखती है। तो बस ये देखिए पूरा किला किस तरह से जगमगा रहा है लाइट से। और भाई पुरानी धरोहर है तो जगमगाना तो चाहिए, सबका मतलब फर्ज बनता है कि अपनी देश की धरोहर को संभाल के रखें। तो बस ऐसे ही मैं गाड़ी पे बैठी बैठी वीडियो बनाती हुई आगे बढ़ रही थी, और मैं बोल भी रही थी मतलब अपने बेटे से, थोड़ा गाड़ी से लो चला तो मेरा वीडियो अच्छे से बन जाएगा, लेकिन उसको दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है वैसा बनने दो। ये देखिए ये पार्क है लक्ष्मीबाई पार्क, और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। ये लक्ष्मीबाई की प्रतिमा है, महारानी लक्ष्मीबाई की, भाई उन्हीं की वजह से तो झांसी का नाम है, उनसे ही जानते हैं झांसी को। बस अब वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। हम घर बस लगभग पहुंच ही गए हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कान्हा जी सबकी इच्छा पूरी करें, सब पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।